हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं अविनाश कुमार। इस वीडियो के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। यहां पर इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन के ऊपर। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन के ऊपर हम लोग बात करेंगे। आंसर की जारी कर दिए गए, तो आंसर की में जिनको दिक्कत आ रहा है, जिनको डाउनलोड नहीं हो पा रहे हैं आंसर की, बस आप 3 से 4 बार ट्राई करें। थोड़ा सा नेट का स्पीड कम है तो नेट का ऐसे जगह चले जाए कि आपको जहां पर नेट स्पीड अच्छे से मिल जाए, साइबर कैफ चले जाए, तो वहां पर आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं अपने आंसर की। वहां पर स्पीड वो लोग का ब्रॉडबैंड रहता तो दिक्कत नहीं होंगे, बस आपका इंटरनेट स्पीड अच्छा रहता तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आंसर की आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि बात करेंगे यहाँ पर पार्ट बी के ऊपर भी, नॉर्मलाइजेशन के ऊपर भी बात करेंगे और कट ऑफ के ऊपर भी हम लोग देखेंगे। सिर्फ कट ऑफ के ऊपर एक ओवरव्यू देने की कोशिश किया है मैंने इस वीडियो में, एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं बताया। ये एग्जैक्ट आप यदि जानना चाहते तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके स्कोर कितने आ रहे हैं, पार्ट ए में कितने आ रहे हैं, पार्ट बी में कितने आ रहे हैं। दोनों पार्ट ए हो चाहे पार्ट बी, दोनों सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताएं कि कितने स्कोर आ रहे हैं, जिससे अनुमान लगाने में आसानी से हो आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, किस कैटेगरी से आते हैं। ये चीज़ भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि कट ऑफ जो भी मैं आप सभी को आने वाले वीडियो में बताऊं वो लगभग एक्चुअल हो और संभावित हो, पर जी उसी तरह से कट ऑफ जाएँ, ऑफिशियल कट ऑफ। तो चलिए इस पर बात करते हैं अब हम लोग। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है एक और, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए इस पर बात करते हैं। फर्स्ट बात कर लेते हैं पार्ट बी के नॉर्मलाइजेशन के ऊपर। जैसे आप सभी लोगों ने देखा है कोलकाता बोर्ड मेल के ऊपर भी रिप्लाई दे रहे हैं कि आपको पार्ट बी में नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाता। यदि बात कर लेते हैं कोलकाता बोर्ड ने जिस कन्फर्म से जिस तरह से बता रही है, सभी के मेल में भी बता रहे हैं, जितने लोग के भी मेल कर रहे हैं लोग, सभी के मेल में भी बता रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाएगा। पर यदि बात करें कुछ अदर बोर्ड के ऊपर, चाहे मालदा बोर्ड के ऊपर ले लें, चाहे किसी और बोर्ड के ऊपर लें, मालदा बोर्ड से मैंने बात किया है, तो मालदा बोर्ड के ऊपर बात करें तो यहाँ पर कहा गया कि नॉर्मलाइजेशन पार्ट बी में किया जाएगा। तो नॉर्मल तौर पर मैं भी आप सभी को कन्फर्म कर देता हूँ, पार्ट बी में आप निश्चिंत रहें, नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, क्योंकि पार्ट बी का पेपर सभी शिफ्ट में अलग अलग थे, किसी का भी एक जैसा पेपर नहीं था कि एक शिफ्ट में लिए गए तो नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर सभी का शिफ्ट अलग अलग, सभी पेपर का डिफिकल्ट लेवल अलग अलग, तो यहाँ पर 9 से 10 शिफ्ट में एग्जाम हुए, 12 शिफ्ट में एग्जाम हुए, लेकिन 8 फरवरी को भी एग्जाम हुए थे। तो टेंशन फ्री रहो, पार्ट बी में भी नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा आपका। अब बात कर रहे थे लोगों को जो आंसर की जिन्होंने मिलाया और जिनसे मैंने बात किया, उनके अकॉर्डिंग जो कट ऑफ बताऊंगा उनके अकॉर्डिंग बताऊंगा, कॉमेंट सेक्शन के अकॉर्डिंग अभी नहीं बात किया मैंने। कॉमेंट सेक्शन कुछ लोगों को मैंने पढ़ा है, अभी बहुत सारे कमेंट पढ़ने के बाकी है। आप सभी को जब कमेंट एग्जैक्ट डेटा अनुमान लगाने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगा, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपका स्कोर कितने आ रहे हैं, कितने अटेम्प्ट किया था और कितने सही हुए हैं। सिर्फ कितने सही हुए, सिर्फ ये भी बता देते कितना स्कोर आ रहा है काफ़ी है, पार्ट ए और पार्ट बी में बताना और किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी के नाम बताना, सिर्फ इतना काफ़ी है। चाहे जितने भी अच्छे स्टूडेंट क्यों ना हो, इनके स्कोर पार्ट ए में तो 60 आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं, पर जब बात करते हैं पार्ट बी में 26.25 मुश्किल से, 26, 24, 22, 30, 33 इस तरह से सभी के स्कोर हैं, इस तरह से सभी का स्कोर है। जितने लोगों से मैंने बात किया उनका स्कोर इस तरह से, कुछ का 30 नंबर स्कोर आ रहा है, कुछ लोग 26.86 आ रहे हैं, तो इस तरह से सभी के स्कोर आ रहे हैं। तो यदि बात करें पार्ट बी, चाहे कितने भी अच्छे स्टूडेंट क्यों ना हो, उनको भी पार्ट बी में दिक्कत हुआ, अच्छे से अच्छे स्टूडेंट को भी पार्ट बी में दिक्कत हुए। पार्ट बी पहले तो 60 अटेम्प्ट किया था, 70 अटेम्प्ट किया था, जब नेगेटिव माइनस करके देखा जाए तो यहाँ पर स्कोर 30 आ रहे हैं, बहुत मुश्किल। तो एक तरह से माने तो यदि नेगेटिव कुछ और चले जाते तो यहाँ पर 30 से भी कम आ जाते, यहाँ पर फेल होने की नौबत आता। जो अभी श्योर बैठे हैं कि पार्ट बी में नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाएगा, फिर भी हमको टेंशन नहीं है, जैसे ही एक पॉइंट भी घट जाता स्कोर तो उनको टेंशन आ जाती। पार्ट बी में यदि मान लेते हैं नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाता तो क्या होगा, पार्ट बी में आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, आप टेंशन फ्री रहो। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट के जिनके स्कोर पार्ट बी में, हाँ पार्ट बी में एक चीज और दिक्कत है, बहुत सारे प्रश्न गलत दिए गए। जिन लोगों से मैंने बात किया जिनके पार्ट बी के ऊपर अच्छी पकड़ थी, जिनके ट्रेड बहुत अच्छा था, उनसे जितने लोगों से मैंने बात किया तो सभी के पार्ट बी से यही रिक्वेस्ट है, 10 से 15 प्रश्न गलत है, ऑप्शन गलत है, प्रश्न नहीं ऑप्शन कुछ और सही हो रहे हैं, कुछ और दिए गए, तो इस तरह से ऑप्शन बहुत सारे पार्ट बी में गलत आ रहे हैं।
यहाँ पर यह भी दिक्कत है, पार्ट बी में 10 से 15 सवाल गलत आ रहे हैं, तो सभी के ऊपर ऑब्जेक्शन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सभी प्रश्न के ऊपर आपको 50 रुपया देना है ऑब्जेक्शन के लिए, और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये पार्ट बी क्वालिफाइंग कर जा रहे हैं, तो दिक्कत नहीं होगा। आपसे भी से एक रिक्वेस्ट और है, आप पार्ट बी के ऊपर थोड़ा सा अच्छे से चेक करवाएं, एक अच्छे टीचर से, टेक्निकल टीचर से आप मिल लें और जिनके पकड़ हो पार्ट बी के ऊपर, और उनका पार्ट बी के आप चेक कर लें, यदि आपका स्कोर कम आ रहा तो एक बार चेक करवा लेते हैं, उस प्रश्न के ऊपर ऑब्जेक्शन करते हैं, तो आप निश्चित ही आपके स्कोर अच्छे बढ़ जाएंगे, अच्छे स्कोर के लेवल के आप ऊपर आ जाएंगे। और बात करें जो नॉर्मल स्टूडेंट हैं उनसे बात किया, तो उनके स्कोर अच्छे खासे हैं, 26 पॉइंट कुछ के आसपास आ जा रहे हैं, पर मैक्सिमम स्टूडेंट का स्कोर 20, 18, 22, 23, 15, 16, 10 के आसपास आ रहे हैं, जिनके 10 भी हैं। नॉर्मल स्टूडेंट में कोई ऐसा चांस भी नहीं कि इतने 16-17 मार्क्स बढ़ जाए, तो इनको बहुत मुश्किल है। आप वैसे ही, हाँ आपकी किस्मत, आपका लक अच्छा है, तो हो सकता है कि आपको शिफ्ट बहुत ज़्यादा टफ हो जाते हैं, तो नॉर्मलाइजेशन में आपको फ़ायदा हो जाए। एक ओवरऑल एक अप्रोक्स डेटा है, लगभग डेटा है, नहीं कि एग्जैक्ट डेटा है। 60 से 65% स्टूडेंट ऐसे हैं, 60 से 65% स्टूडेंट ऐसा है, एक बार और सुन लें आप सभी लोग, ये एग्जैक्ट डेटा नहीं है। जिन लोगों से मैंने बात किया, जिनके अकॉर्डिंग हम लोग देख रहे हैं, उन सभी के एक पॉइंट ऑफ व्यू है, बहुत मुश्किल से 26.25 का स्कोर ला रहे हैं, बहुत मुश्किल से 26.25 इनका स्कोर आ रहा है 60 से 65% लोगों का, या 40% 30 से 35 से 40% ही ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने 26.25 से स्कोर ऊपर किया है, पीसीएम वाले स्टूडेंट को छोड़कर। यहाँ पर पीसीएम वाले स्टूडेंट को नहीं बात कर रहा, जो आईटीआई वाले पोस्ट है और जो एएलपी की पोस्ट है इनके ऊपर बात कर रहा हूँ। यदि बात करें पीसीएम वाले पोस्ट, तो पीसीएम वाले को कोई दिक्कत नहीं है, पीसीएम वाले मैक्सिमम स्टूडेंट के अच्छे गए हैं, बस इनके आप पार्ट ए में अच्छा गया, आपका पार्ट ए में बहुत अच्छा चला गया, तो आप यहाँ पर क्वालिफाइंग कर जाएंगे 80 के आसपास, बहुत सारे लोगों का 80, 81, 70, 71, 72, 70, 65 के आसपास सभी लोगों का है। मैक्सिमम लोगों से, जितने लोगों से बात किया उनके 81 से उनका स्कोर आ रहा है। पार्ट ए में भी बहुत अच्छा अटेम्प्ट उन्होंने किया, सॉरी वे लोग का अच्छा स्कोर है, अच्छा अटेम्प्ट है। अब बात करते हैं पार्ट ए में सभी का, पार्ट चाहे जो भी लोग भी, सभी का स्कोर अच्छा है पीसीएम वाले पोस्ट के ऊपर। अब बात कर लेते हैं एएलपी के कट ऑफ, एक ओवरव्यू सिर्फ ये कट ऑफ का। यदि आप एएलपी पोस्ट के ऊपर आते हैं, यूआर या ओबीसी में आते हैं, यूआर या ओबीसी में आते हैं, यहाँ पर 40 के आसपास रॉ स्कोर, 40 के आसपास आपका, 40 से कम भी है, 40 से कम भी है भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्वालिफाइंग यहाँ पर पास होने के मैक्सिमम चांसेस है कि आप यहाँ पर पार्ट ए जो 52 है वो क्वालिफाइंग कर जाए, आप साइको टेस्ट के लिए आ जाए। एससी एसटी की बात करें, एससी एसटी में आते हैं, तो एसटी में कम से कम आप 35 प्लस आपके स्कोर आ रहे हैं, 35 से थोड़ा सा भी कम भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, 35 प्लस आ रहे हैं तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। एसटी में आते हैं तो 32 भी आपके स्कोर आ रहे हैं, रॉ स्कोर आपके आ रहे हैं, तो यहाँ पर सिलेक्शन के मैक्सिमम चांसेस है एएलपी के ऊपर। अब बात करते हैं टेक्नीशियन के ऊपर, आईटीआई वाले पोस्ट के ऊपर, आईटीआई जो रिलेटेड टेक्नीशियन का पोस्ट है उन पोस्ट के ऊपर, तो इन पोस्ट के ऊपर हम लोग बात करें, तो यहाँ पर कट ऑफ भी नॉर्मल जाने वाले हैं, 45 यूआर में आते हैं, 45 आपके रॉ स्कोर आ रहे हैं, काफ़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, 45 भी स्कोर आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ पर सिलेक्शन के लिए मैक्सिमम चांसेस है। ओबीसी में बात करें 43, एससी में बात करें 38, एसटी बात करें तो 32 से लेकर 35 के बीच में आपके अटेम्प्ट रॉ स्कोर आ रहे हैं, जो अभी स्कोर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग बात करें तो काफ़ी है, कोई दिक्कत नहीं, सिलेक्शन के लिए कोई दिक्कत नहीं है। पीसीएम वाले पोस्ट के ऊपर बात करें तो 65 से 70 के बीच में आपके स्कोर आ रहे हैं, यूआर ओबीसी और एससी एसटी, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में आपका ये ठीक नहीं है कि आपको बहुत अच्छा स्कोर बढ़ जाए, यदि शिफ्ट आसान रहता है तो इसमें कोई ना हम जानते ना आप जानते, ना आपके पास एग्जैक्ट डेटा ना मेरे पास एग्जैक्ट डेटा है, सभी का एग्जैक्ट डेटा नहीं है कि जिससे एक अनुमान लगाया जा सके कि किस शिफ्ट में कितने स्कोर बढ़ेंगे, ये करना बहुत मुश्किल काम है, सभी के एग्जैक्ट डेटा कलेक्ट करने होंगे, सब कलेक्ट होने के बाद हर शिफ्ट के हर जोन के, तो बहुत मुश्किल काम है, ये रेलवे जोन अपने हिसाब से कर लेगी।
एससी एसटी बात करें तो यहाँ पर 60 से 65 के बीच में आपके स्कोर आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा है पीसीएम वाले पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन के लिए। तो ये मैंने सिर्फ एक ओवरव्यू, लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ शेयर करने की कोशिश किया है। पार्ट बी में भी नॉर्मलाइजेशन आपका किया जाएगा। मालदा बोर्ड ने भी कहा है कि नॉर्मलाइजेशन होंगे, सिर्फ कोलकाता जोन ने बार बार बता रही कि पार्ट बी में नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाएगा। एग्जैक्ट डेटा के साथ हम लोग किसी और वीडियो में हम लोग कट ऑफ के ऊपर बात करें, जिसमें हम लोग अच्छे तरह से बात करेंगे और कुछ जोन के अलग अलग करके डिस्ट्रीब्यूट कर हम लोग बात करेंगे। मैक्सिमम जोन तो एक जैसे कट ऑफ जाएंगे, बस 3 से 4 जोन ऐसे हैं जिनके कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, ALP हो चाहे टेक्नीशियन, थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। तो मैक्सिमम जोन कट ऑफ नॉर्मल जाने वाले हैं, मैक्सिमम जोन। तो चलिए इस पर, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अपडेट मिलते रहे। तो जय हिंद, जय भारत।